तो प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, सेम वही लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारा डिटेल डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच, सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गेट 2014 में पूछा गया है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, यहाँ दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 10 वाई विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। जहाँ एक्स क्या है आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की वैल्यू, और वाई क्या है कि जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो कितने सारे लॉन्गेस्ट, यानी नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। एक्स क्या है आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की वैल्यू, लेट सपोज एक्स की वैल्यू अगर सपोज दैट आ रही है 4, ओके, तो कितने ऐसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आ रहे हैं उसको काउंट करना, वो क्या है आपका वाई, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, तो ए मैंने इस तरह से लिखा और बी को इस तरीके से, वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए को इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे, वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे, एट द एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, ओके। वो सेम वाई रिकर्सिव इक्वेशन है, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या, एलसीएस ऑफ 0, 0, तो अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें एलसीएस फाइंड आउट करना है, चाहे एम की वैल्यू 0 या एन की वैल्यू 0, एट द एंड क्या आएगा 0, जो फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट रो में सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, और फर्स्ट कॉलम में भी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, एलसीएस ऑफ 1, 1, तो एक सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएस ऑफ 1, 1 इसका क्या मतलब है, एलसीएस ऑफ 1, 1 ये वाला स्लॉट। अब चेक करेंगे यहाँ क्या है, पी एंड क्यू बोथ आर मिसमैच, यानी ये मिसमैच है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, जिसका मतलब क्या कॉल होगा, एल सी एस ऑफ 1, 0 एंड एल सी एस ऑफ 0, 1, ओके। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो 1, 0 या 0, 1 क्या हुआ, 1, 0 0 और 0, 1 0, तो दोनों में मैक्सिमम क्या हुआ 0, सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको एल सी एस ऑफ 1, 2 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एल सी एस ऑफ 1, 2 विच इज इक्वल्स टू, तो एल सी एस ऑफ 1 ये क्या है पी, और इधर क्या है पी, मैच, मैच होगा तो क्या कॉल होगा, इधर 1 प्लस एल सी एस ऑफ 0, 1, तो 0, 1 की वैल्यू क्या है 0, तो प्लस 1 करेंगे तो 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल वर्ड में कि अगर जैसे इस वैल्यू को जब कैलकुलेट किया ये मिसमैच हो गया, तो इसके लेफ्ट वाली वैल्यू पे चेक करेंगे और अबव में इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका ये रिजल्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ क्या हुआ मैच होगा, तो इसके अबव डायगोनल जो वैल्यू होगी इसमें 1 ऐड कर देंगे, सिंपल। अब देखो कैसे, ये देखो ये क्या है पी एंड क्यू, लेफ्ट और अबव में मैक्सिमम कौन सा है 1, इधर P एंड R लेफ्ट अबव 1, P एंड R लेफ्ट 1 और 0, तो मैक्सिमम क्या है 1। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करें, क्यू क्यू सेम, क्योंकि मैच करके तो क्या करेंगे इसके डायगोनल में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। Q एंड P दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 1 ही है। Q एंड Q मैच, तो डायगोनल वैल्यू कितनी है 1, 1 में 1 ऐड कर देंगे 2। Q R मिसमैच, तो लेफ्ट और अबव मैक्सिमम क्या है 2, क्योंकि ये मैक्सिमम है। Q एंड R मिसमैच, लेफ्ट अबव मैक्सिमम 2, इसको देख लो। पी एंड क्यू डिफरेंट, इन दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, पी एंड पी सेम, डायगोनल में 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पी एंड क्यू मिसमैच, तो लेफ्ट और अबव मैक्सिमम 2 ही है, इधर पी एंड आर मिसमैच 2, पी एंड आर मिसमैच, दोनों में मैक्सिमम क्या है 2। सिंपली ऐसे ही क्या करेंगे, फिल करते चले जाएंगे, आर एंड क्यू मिसमैच 1, R and P mismatch 2, R and Q mismatch 2, R and R match, तो diagonal में 1 ऐड कर देंगे 3, R and R match, diagonal में वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट Q and Q match, diagonal वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1, 1, Q and P mismatch, दोनों में मैक्सिमम क्या है 2, इधर आ गया Q and Q match, diagonal वैल्यू 2 है 3 हो जाएगी, ऐड कर दो। Q and R मैक्सिमम क्या है 3, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लो, इधर Q एंड R मिसमैच, तो मिसमैच का मतलब मैक्सिमम दोनों में तो 3 ही है। अब इधर आ जाओ, R एंड Q मिसमैच 1, R एंड P मिसमैच, मैक्सिमम क्या है 2 है, इधर R एंड Q मिसमैच 3, R एंड R मैच, डायगनल क्या है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट R एंड R मैच, डायगनल 3 है 4 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पी एंड क्यू मिसमैच 1, ये क्या है पी पी मैच 2, पी है क्यू है, पी और क्यू मिसमैच, दोनों में मैक्सिमम क्या है 3, इधर पी एंड आर
मिसमैच, दोनों मैक्सिमम क्या 4, इधर पी एंड आर मिसमैच, दोनों मैक्सिमम क्या 4। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल गया 4, यही क्या है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, वो क्या आपकी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू, यानी 4 लेंथ के कितने लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आ रहे हैं वो कैलकुलेट करना, वो y की वैल्यू जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ आए, ये वैल्यू हमको मिली है 4, यही फाइनल आंसर है। ये वैल्यू चेक करेंगे, ये क्या है p एंड r बोथ आर डिफरेंट यानी मिसमैच, तो ये वैल्यू या तो इधर से हमको मिली होगी या तो इधर से मिली होगी, हमें नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 4.4 कैलकुलेट किए होंगे तभी तो ये वैल्यू आई होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू या तो यहाँ से मिलेगी या तो यहाँ से मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले एग्जामिन करेंगे बाद में, कि इस पर्टिकुलर अगर हम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो क्या हमें सीक्वेंस मिल रहा है वो देखते हैं। यहाँ आ गए नेक्स्ट, अभी कुछ मैच नहीं हुआ, जैसे ही मैच होगा तो वो कैरेक्टर हम लिख लेंगे। ये क्या है आर एंड आर, क्या हुआ मैच हो गया। तो मैच होगा तो किधर से आए होंगे, डायगनल से, तो इसका मतलब जैसे ही मूव करेंगे डायगनल में तो जो कैरेक्टर होगा उसको लिख लेंगे। तो क्या मिल गया आर, यानी आर आर मैच कर गया था। नेक्स्ट, अब यहाँ आ गए, उसके बाद ये क्या आपका क्यू है और ये क्या है आर, तो ये क्या हुआ मिसमैच। तो इसका मतलब या तो इधर से आए होंगे या तो इधर से आए होंगे। अभी हमने इसको एग्जामिन नहीं किया, इसको एग्जामिन नहीं किया, इसको बाद में करेंगे, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको आर मिल गया, बस अब इधर आए, इधर क्या है आर और इधर भी आर है, तो इसका मतलब मैच हो गया। तो मैच होने का मतलब ये डायगनल से हमको मिला होगा, तो दूसरा भी आर मिल गया। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ आए, यहाँ क्या मिला पी, यहाँ क्या मिला क्यू, तो इसका मतलब अब देखो इधर से आए होंगे या तो दोनों वैल्यू सेम है, तो या तो लेफ्ट से इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी या तो अबव से। तो लेट से हम अबव को देखते हैं, इसको बाद में देख लेंगे अभी। ओके इसको बाद में देखते हैं। यहाँ आए, यहाँ क्या है क्यू और ये क्यू मैच, तो इसका मतलब ये डायगनल से मिला होगा, तो क्यू लिख लो। यहाँ आए पी एंड पी मैच, तो डायगनल से मिला होगा पी, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, यहीं स्टॉप कर जाएंगे। तो हमको एक जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या मिला, पी क्यू आर आर। तो देखो ये तो इस पाथ को फॉलो करते हुए आए थे तब हमको मिला। दूसरा डायरेक्शन यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचे तो क्या क्या कैरेक्टर मिले, यहाँ मिला आर और इधर मिला आर, तो यानी आर आर यहाँ तक मिला था, यहाँ तक तो आर आर मैच करते हुए आए थे, अब इधर पाथ फॉलो करते हुए आ रहे हैं। देखते हैं, देखो यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे हैं यहाँ तक तो क्या क्या मिला है टू टाइम्स आर, बट ये पाथ फॉलो करते हुए आए तो हमें पी क्यू मिला, तो अब ये भी तो चेक करेंगे कि इस पर क्या मिला। तो देखते हैं यहाँ आ गए पी एंड पी मैच, मैच का मतलब डायगनल, तो पी लिख दो। नेक्स्ट यहाँ आए क्यू एंड क्यू डायगनल, इसका मतलब क्यू मिल गया, तो ये दूसरा सीक्वेंस मिल गया क्यू पी आर आर। तो यानी इसके इस पाथ को फॉलो करते हुए हमने इधर भी एग्जामिन कर लिया, इधर भी एग्जामिन कर लिया, बट अभी यहाँ बचा हुआ है, इसको चेक करते हैं, क्योंकि इधर से देख लिया इधर देखना है। तो इसका मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इधर से, तो आर हमको मिल चुका होगा। ओके देखो यहाँ से आर मिला तभी तो इधर से कर दिया आ रहे हैं, अब इसको देखते हैं क्यू एंड क्यू मैच, जब ये क्यू और क्यू मैच किए तो क्यू लिखे, और ये कहाँ से मिला होगा डायगनल से। नेक्स्ट अब इधर आए आर पी मिसमैच, तो आर पी अगर मिसमैच हुआ तो या तो लेफ्ट से या तो अबव से, नहीं इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही वैल्यू, तो इसका मतलब लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे अबव की तरफ जाएंगे। तो अबव की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, देखो इधर P मिलेगा यहाँ से और इधर Q मिलेगा, यहाँ क्या मिल रहा है क्यू पी क्यू आर। ओके नेक्स्ट, तो क्या सारे हो गए, नहीं अभी ये बचा हुआ है, ये ऑलरेडी हम एग्जामिन कर चुके हैं ना क्यू पी। तो अगर ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ से जाएंगे, यहाँ मैच किया P तो P लिख लिया, नेक्स्ट यहाँ गए Q मिल रहा है तो इसलिए डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अब यहाँ भी ये बचा हुआ है, अब देखो इसको पी पी और आर, पी और आर क्या है दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये कि या तो लेफ्ट से मिलेगा या तो अबव से, बट थ्री इधर मिनिमम है, ये इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा 4, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मिला होगा। ओके इधर से नहीं मिला होगा तो इधर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आर और आर मैच कर गया, तो आर आर मैच कर गया, इसका मतलब ये कहाँ से मिला होगा डायगनल से। ओके यहाँ आ गए नेक्स्ट, अब क्या है क्यू और क्यू, ये भी मैच कर गया, क्यू और क्यू मैच कर गया, तो इसका मतलब ये भी डायगनल से आएंगे, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो क्या मिला यहाँ पे क्यू मिला, क्यू मिल गया। नेक्स्ट यहाँ है, ये क्या है आर और ये क्या है आपका पी, तो आर और पी डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा या तो लेफ्ट या तो अबव, लेकिन लेफ्ट में मिनिमम है तो इसका मतलब इधर ही जाएंगे। यहाँ आ गए, ये क्या है आपका पी, तो इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों मैच कर गया तो पी मिल गया यहाँ पे, तो ये कहाँ से मिला होगा डायगनल से, तो इधर आ गए। यहाँ क्या मिला क्यू, सेम वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने किया है। ओके तो क्या मिल रहा है, यहाँ टोटल 4 सीक्वेंस जो है कॉमन सब सीक्वेंस मिल रहा है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, और पर इसको अगर केयरफुली देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है क्यू पी क्यू आर, यहाँ भी क्यू पी क्यू आर, यहाँ पी है,
तो इसका मतलब इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ओके। तो ये जो है आपका कॉमन आ रहा है, तो इसलिए y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 4 की जगह 3 होगी। नंबर ऑफ जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आ रहे हैं 4 आ, लेकिन एक रिपीटेड, इसलिए हम 3 ही काउंट करेंगे। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 10 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 34। ओके, तो ये था आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ओके।